हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारे एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट मॉड्यूल लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर सिक्स। और इस चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे माय चाइल्डहुड के बारे में। इस चैप्टर के अंदर आने वाले सभी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को देखेंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उन वर्ड मीनिंग्स को भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। और ये चैप्टर APJ अब्दुल कलाम जी को डेडिकेटेड है, जो कि विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है कुछ पार्ट्स इसके। तो चलिए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है, आई वॉज बॉर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइसलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। ये बता रहे हैं कि मैं तत्कालीन मद्रास राज्य के जो रामेश्वरम की द्वीपीय शहर है उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली में तमिल परिवार में पैदा हुआ था। एंड माय फादर जैनुलद्दीन के पास ना तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी, हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही पॉजेस अ ग्रेट innate wisdom and true generosity of spirit। अब ये बता रहे हैं कि जो मेरे पिता हैं जिनलब्दीन के पास न तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी न ही बहुत ज़्यादा धन था, इन कमियों के बावजूद उनके पास एक महान जन्मजात ज्ञान था और उनकी आत्मा की एक सच्ची उदारता थी, अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसिमा। वो बताते हैं कि वह एक आइडियल थे, आदर सहायिका थी उनकी, जो अशी अम्मा थी उनके पास मेरी माँ थी, वो कह रहे हैं कि उनके पास आइडियल थी। एंड आई डो नॉट रिकॉल एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल नंबर्स ऑफ आवर ऑन फैमिली पुट टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि आई डो नॉट रिकॉल एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मुझे नहीं पता लोगों की सही संख्या याद नहीं है जिन्हें वो हर दिन खाना खिलाती थी। शी फेड अप एवरी डे, लेकिन बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट, लेकिन मैं काफ़ी निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि सभी सदस्यों की तुलना में अधिक बाहरी लोग होते थे, है ना। आउटसाइडर एट विथ अस ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर, बाहरी लोग हमारे साथ खाना खाते थे। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं, जैसे डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है नथिंग स्टैंडिंग, यानी कि बावजूद। इंटेंट का मतलब क्या होता है, जो बाय बर्थ कोई चीज़ हो, विजडम हो। जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता, राइट, रिडनेस और लेबलरिटी गिविंग, जिसमें हम लेबलरिटी जिसको कहते हैं। और एग्जैक्ट का मतलब स्ट्रिक्टली एक्यूरेट करेक्ट नंबर्स का आइडिया नहीं होता, एग्जैक्ट उसको कहते हैं, एग्जैक्टली आइडिया होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर। तो ये था फर्स्ट पैसेज, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। मैं कई बच्चों में से एक था, एक छोटे कद का लड़का जिसका रूप आकार लगभग साधारण था और लंबे सुंदर माता पिता के घर में पैदा हुआ था। We lived in our ancestral house, हम अपने पुश्तैनी जो मकान था उसमें रहते थे, which was built in the middle of 19th, और जो कि 19th के मिडिल में बनाया गया था, 19वीं सदी के बीच में मध्य में बना गया था। और ये काफ़ी पक्का घर था, इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड अप ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स ऑन मॉस्क्यू इन द स्ट्रीट ऑफ इन रामेश्वर। और ये काफ़ी बड़ा पक्का घर था जो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। माय अस्टर फादर यूज टू अवॉइड इन ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। और मेरे जो अतिशयंबी जो पिता थे सभी जो अवॉइड करते थे इन एसेंशियल, जो गैर जरूरी चीज़ें, उनको कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, जो भोग विलासता लग्जरीज की जो चीज़ें थी उनसे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन और क्लॉथ्स। हालांकि भोजन
दवा और कपड़ों के संदर्भ में सभी जो लग्जरीज थी वो प्रदान की गई थी इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स। इनफैक्ट आई वुड से माई वॉज वेरी सिक्योर चाइल्ड, और वास्तव में कहूँगा कि मेरा जो बचपन था बहुत ही एक सुरक्षित बचपन था, दोनों ही रूप से, मेंटली एंड इमोशनली, भौतिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित था। अब यहाँ पे कुछ मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स को भी हमें कवर करना होगा ताकि हम समझ पाएं चीज़ों में कि क्या दिया हुआ है और कैसे आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखिए, एनेस्ट्रल का मतलब होता है जो आप पुरानी जो चीज़ें होती हैं पुश्तैनी होती हैं, सर्विंग एज अ फॉरनर, प्रोट्राइब, इंस्पिरेशन। और इसी तरह इससे इनएसेंशियल का मतलब होता है विदाउट एसेंस, मतलब गैर जरूरी चीज़ें जो होती हैं। अगर हम आगे बढ़े और यहाँ पे लिखा हुआ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। वो कह रहे थे कि जब मैं 8 साल का था तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड ऑफ टर्मिंट सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और मैं कभी नहीं समझ पाया कि किन कारणों से बाजार में अचानक इमली के बीजों की मांग क्यों बढ़ गई है, एंड टर्मिंट सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजंस ऑफ मॉस्क्यू स्ट्रेट। और मैं बीज इकट्ठा किया करता था और उन्हें मस्जिद की गली में एक किराने की दुकान पर बेच देता था, एंड अ डे कलेक्शंस वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। और एक दिन संग्रह से मुझे अच्छा खासा एक आना मिल जाता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी माई स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रैश इन द हेडलाइंस इन दिनामानी। वो बता रहे हैं कि जो मेरे जीजा हैं जलालुद्दीन, जो मुझे युद्ध के बारे में कहानियाँ बताते थे, जिन्हें बाद में मैं दिनामानी की सुर्खियों में ढूंढने का प्रयास करता था। आवर एरिया बींग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था वो आइसोलेट था और हमारा जो क्षेत्र था लगभग पूरी तरीके से अलग थलग के नाते युद्ध से पूरी तरीके से अप्रभावित था। आइसोलेट वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वॉर। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर। और हुआ क्या कि हमारा क्षेत्र, लेकिन जल्द ही भारत को संबंध सेनाओं में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा और एक तरह की आपातकाल की घोषणा की गई। एंड यहाँ पे है पहली चीज, टर्मिट का मतलब होता है जो इमली होता है, एप्टेट का मतलब होता है मार्केट में ब्रेकआउट होना, रश होना, आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग पड़ जाना, राइट। और एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गई है, आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई। अब वो बताते हैं आगे की लाइन में कि द फर्स्ट कैजुअली कैम्प इन द फॉर्म ऑफ सस्पिशंस ऑफ ट्रेन हॉल्ट एंड रामेश्वरम स्टेशन। और उनको ये समझ आता है कि पहली बार जो आपात की खबर थी तो रामेश्वर स्टेशन पर ट्रेन रुकने के निलंबन के रूप में आई, एंड द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बंडल्ड एंड थ्रो आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो वो बता रहे हैं कि पहली बार जो अखबार के बंडल बनाकर रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ता था। और द फोर्स माई कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड द इफ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इससे मेरे जो चचेरे भाई थे शमसुद्दीन को रामेश्वरम में अखबार बांटता था और बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की तलाश करने को मजबूर होना पड़ा, जैसा कि स्वाभाविक था, राइट। एक हेल्पिंग हैंड चाहिए उसको कैच करने के लिए, और मैंने यह काम किया एंड आई फील्ड द स्लॉट। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन ने मेरी पहली मजदूरी कमाने में मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग आधी सदी बाद मैं पहली बार अपने पैसे कमाने के गर्व की अनुभूति महसूस कर सकता था। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे कुछ मीनिंग्स भी, सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंड होना, और कैच का मतलब होता है पकड़ना, सर्ज का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड मूवमेंट, रश, स्वीप, ये होता है। देखिए,
अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे लिखा हुआ कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चे को जन्म से कुछ ना कुछ एक स्पेशल सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक विरासत में कुछ विशेषताओं के साथ होता है। एंड टू स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक इमोशनल इन्वायरमेंट एंड ट्रेंड सर्टन वे बाई फिगर अथॉरिटी और अधिकारी लोगों द्वारा कुछ तरीकों से प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर और मुझे अपने पिता से ईमानदारी, आत्म अनुशासन विरासत में मिला। एंड माई मदर फॉर माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गॉडनेस और मेरी माँ से मुझे अच्छाई और गहरी दैवीयता विरासत में मिली और मेरे तीनों भाई और बहनों को भी मिले थे। गॉडनेस द काइंडनेस शो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रणदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। बता रहे हैं कि बचपन में मेरे तीन करीबी दोस्त थे, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली और ये सभी लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आवर सेल्फ। बचपन के रूप में हम कभी भी आपस में हमने डिफरेंट महसूस नहीं किया। रिलीजियस डिफरेंट एंड अपब्रिंगिंग, हमारी जो रिलीजियस थे ने कभी हमारे धार्मिक मतभेदों को परवरिश में कोई आपसी अंतर महसूस नहीं किया। और यहाँ पे देखिए अथॉरिटी का मतलब होता है पावर ऑफ डिटरमाइन जो होता है उसको कहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक अनुशासन। रिलीजियस का मतलब होता है एक जो धर्म होता है। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है आपकी परवरिश कैसी रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ इनफैक्ट जो रामन शास्त्री थे और रामनाथ शास्त्री वॉज अ सन ऑफ पाखी लक्ष्मण शास्त्री एंड हाई प्राइस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल के जो हाईएस्ट प्राइस्ट थे, जो पुजारी थे, वो उनके बेटे थे। और दरअसल रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के उच्च पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे और बाद में उन्हें अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर का पुरोहित ग्रहण किया। लुक आफ्टर ही ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम द फादर अरविंदन वेंट टू बिजनेस फॉर अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिट पिलिग्राम्स एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और वो बता रहे हैं कि बाद में रामेश्वरम मंदिर में पौरोहित्य ग्रहण किया और अरविंदन तीर्थयात्रियों को आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था के करने वाले बिजनेस में लग गया और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे का के लिए खान पान का ठेकेदार बन गया। एंड यहाँ पे प्राइस्ट का मतलब होता है जो पुजारी होता है, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, स्पेशली बिजनेसेस में यूज करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याण सेरेमनी और जो सीताराम कल्याण समारोह के दौरान वार्षिक समारोह के दौरान हमारा जो परिवार था भगवान की मूर्तियों को मंदिर से अपने घर के पास तालाब के बीच स्थित आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद स्पेशल प्लेटफॉर्म टू कैरिंग आइडोल ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल्स एंड मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। वो बता रहे हैं कि जो वार्षिक जो सीताराम कल्याण समारोह के दौरान जो हमारा परिवार था भगवान की मूर्तियों को मंदिर में से हमारे घर के पास तालाब में के स्थित बीच में स्थित जो विवाह स्थल है राम तीर्थ तक ले जाने के लिए विशेष मंच वाली नावों की व्यवस्था करता था। और इवेंट ऑफ रामायण एंड द लाइफ ऑफ प्रॉफेट वर बेड टाइम स्टोरीज माई मदर्स एंड ग्रैंड मदर वुड टेल चिल्ड्रंस इन आवर फैमिली। और आप कह सकते हो कि रात को सोते समय रामायण और पैगंबर के जीवन की घटनाएं सोने की कहानियां थीं जो दादी और दादी हमारे परी बच्चों को सुनाती थी। एंड जहाँ पे सिचुएटेड का मतलब होता है कोई चीज़ स्थित होना, प्रॉफिट का मतलब होता है एक पर्सन जो गॉड के बारे में बताता है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। और फिर अगर हम आगे के पैसेज में देखें तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि वन डे एक दिन व्हेन आई वॉज इन अ फिफ्थ स्टैंडर्ड जब मैं फिफ्थ क्लास में था एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5वीं में था,
तब हमारी क्लास में एक नया टीचर आया एंड अ न्यू टीचर केम आवर क्लास। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, और मैं एक टोपी पहनता था जिसने मुझे एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित किया था। एंड आई ऑलवेज सेट ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री हु आर स्कैट थ्रेड, और एक मुस्लिम के रूप में चिन्हित किया था, और मुझे हमेशा रामानंद शास्त्री के बगल में आगे की पंक्ति में बिठाता था जिसने पवित्र धागा पहना था। आई न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉयज, और जो नए शिक्षक थे वो मुस्लिम लड़के के साथ एक हिंदू पुजारी के बेटे का बैठना सहन नहीं कर सके। सो इन अकॉर्डेंस विद द सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बेंच बैक बेंच। और हमारी सामाजिक रैंकिंग के अनुसार, जैसा कि नए शिक्षक ने देखा था, मुझे जाकर पिछले बेंच पर बैठ जाने के लिए कहा। मुझे दुख हुआ, आई फेल्ट वेरी शेड एंड आई शो आई डिस डिड रामानंद शास्त्री, और मुझे दुख हुआ और रामनाथ शास्त्री को भी। वो पूरी तरीके से दुखी दिखाई दिया और मैं पिछली पंक्ति में अपने सीट पर चला गया। आई लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एंड शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, और वो बिल्कुल अपनी जो पीछे की सीट थी उस पर चला गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द इमेज ऑफ हिम वीपिंग आई शिफ्टेड द लास्ट रो लेफ्ट लास्टिंग इम्प्रेशन टू मी, और वो बता रहे हैं कि मुझे दुख हुआ और रामनाथ शास्त्री को भी। वो पूरी तरीके से दुखी दिखाई दिया जब मैं पिछली पंक्ति में अपनी सीट पर चला गया। जब मैं अंतिम पंक्ति में स्थानांतरित हो गया, उसके रोने की छवि ने मुझ पर अमीट छाप छोड़ी। द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे स्कैट का मतलब डरा, डिवोटेड डेडिकेटेड, ट्री का मतलब होता है ऑडिबल एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट छोड़ना, उसको आप कह सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आफ्टर स्कूल वी वेंट टू हम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम घर आए और घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री शर्माउंडेड द टीचर्स एंड और प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट इट शुड नॉट बी स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस। और लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को बुलाया और हमारी उपस्थिति में शिक्षक से कहा कि वह मासूम बच्चों के मन में सामाजिक असमानता, सांप्रदायिकता, असहिष्णुता का जहर न फैलाए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर आइदर अपोलाइज द क्वाइट टू स्कूल्स एंड द आइसलैंड, और उन्होंने बहुत ही सख्ती से कहा, उनको स्पष्ट रूप से शिक्षक से कहा कि या तो वो माफ़ी मांगे या स्कूल लीव छोड़ दे। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शंस लक्ष्मण शास्त्री कन्वे अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और स्पष्ट रूप से शिक्षक ने उन्होंने कहा कि शिक्षक ने न केवल अपने वर्ताव के लिए माफ़ी मांगी बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा बताए गए दृढ़ विश्वास को मजबूत भावनाओं अंततः इस युवा शिक्षक को सुधार दिया। और यहाँ पे है इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, सब माउंट का मतलब होता है कॉल्ड फॉरवर्ड ऑर्डर, इंटॉलरेंस का मतलब होता है अनविलिंग रिफ्यूजर, टॉलरेंट करते हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए जिन वो। कन्विक्शन का मतलब होता है एक फिक्स्ड फर्म बिलीफ जहाँ होता है उसको हम कहते हैं। अगर आप आगे बढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द होल ऑफ द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिसीड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेशन इन ए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुल मिलाकर रामेश्वर का छोटा सा समाज विभिन्न सामाजिक समूहों में अलगाव के मामले में बहुत कठोर था, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हाउ एवर माई साइंस टीचर्स शिवांशु ब्रह्मीनल अय्यर थ्रू द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद द वेरी कंजर्वेटिव वाइफ वॉज समथिंग ऑफ रेबेल। और हालांकि मेरे विज्ञान के जो शिक्षक थे सुब्रमण्यम अय्यर, हालांकि वो एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे जिनकी बहुत ही रूढ़िवादी पत्नी थी, और ही डिड बेस्ट ऑफ ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरी बैकग्राउंड वुड मिंगल ईजली। और वो एक थोड़े विद्रोही प्रकार के थे, उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ने के लिए अपना भरपूर प्रयास किया और ताकि अलग अलग जो पृष्ठभूमि के लोग हैं वो आसानी से घुल मिल सके। सोशल बैरियर फॉर डिफरेंट वेरिंग बैकग्राउंड्स,
ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, और मेरे साथ वो कई घंटों बिताते और कहते थे, कलाम मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डेवलप सो सो दैट यू आर ऑन द पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल फ्रॉम द बिग सिटीज। और वो कहते हैं कि कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम विकास करो ताकि तुम बड़े शहरों के जो उच्च शिक्षित लोगों के बराबर बन जाओ। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक मॉडरेट पर्पसफुली स्लोली किसी चीज़ को करते हैं, कंजर्वेटिव में भी। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने अपने घर मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड दैट आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय इन्वाइटेड टू डिनर इन अ रिचुअल्स प्योर किचन। अपनी पत्नी को शुद्ध रसोई घर में एक मुस्लिम लड़के को भोजन करने के लिए आमंत्रित किए जाने के विचार पर भयभीत थी। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन द हर किचन, उसने मुझे अपनी रसोई के में भोजन कराने से मना कर दिया। एंड शुभ्रमशुमी अय्यर वॉज नॉट परट्यूब्ड नॉट डिड गेट एंग्री ऑन विथ हिज वाइफ बट इंस्टीड सॉ मी विद द ऑन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी एंड एट हिज मील। सुब्रमण्यम अय्यर ने परेशान नहीं थे, वह नहीं अपनी पत्नी पर गुस्सा किया, लेकिन इसके बदले उन्होंने अपने हाथों से मुझे परोसा, अपना खाना खाने के लिए मेरे बगल में बैठ गए। और उनकी पत्नी हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी पत्नी हमें रसोई घर के दरवाजे के पीछे से देखती रही। आई वंडर्ड वेदर आई हैड ऑब्जर्व माई डिफरेंट इन द वे आई ईट राइस ड्रिंक वाटर एंड क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और मैंने सोचा कि क्या उन्होंने मेरे चावल खाने पीने या भोजन के बाद फर्श साफ करने के तरीके में कोई अंतर देखा था जब मैं घर जा रहा था। देखिए यहाँ पे हॉरिफाइड का मतलब होता है डरावना, रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक, और परट्यूब्ड का मतलब होता है जहाँ पे आप ग्रेट कंसर्न दिखाते हो, एक इमोशनल अपसेट होता है। ऑब्जर्व का मतलब होता है चीज़ों को देखना, है ना, उसको नोटिस करना, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्व। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें कि, और उन्होंने कहा कि व्हेन आई वाज लिविंग इज हाउस सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड टू मी ज्वाइन द डिनर अगेन एंड नेक्स्ट वीकेंड। और भोजन जब जब मैं उनके घर जा रहा था तो सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह फिर से उनके साथ डिनर में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट saying once you decided to change the system, such a problems have to be confronted। और मेरी झिझक देख उन्होंने मुझसे कहा कि परेशान ना हो। उन्होंने कहा जब आप एक बार व्यवस्था बदलने का फैसला कर लेते हैं तो ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और when I visited his house next week, Shivanshu Brahmin, her wife, took me inside her kitchen and served me food with his own friend। जब मैं अगली बार अगले हफ्ते उनके घर गया तो जो शिव शुरमी अय्यर की जो पत्नी थी उन्होंने अपने रसोई के अंदर ले गई और अपने हाथों से मुझे भोजन परोसा। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ कि उन्होंने उस बैरियर को तोड़ा, सीखा समाज में जो समय समय चीज़ें चल रही थी कैसे लोगों ने प्रयास किया मिलजुल के रहने का, लेकिन आज की कंडीशन देखो, आज की स्थिति देखो, चीज़ें बहुत अलग हो चुकी हैं, फिर हम लोगों को मिलकर के ही करना। ये जो वीडियो बन रही है ना, इस वीडियो में कोई भी देख सकता है, राइट? यहाँ कोई भी जाति धर्म के लोगों का वो उसमें बाउंडेशन नहीं है। हेजिटेशन का क्या मतलब होता है? हेजिटेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप डाउट होता है, अनसर्टनिटी होती है। कन्फ्रंट का मतलब होता है जब फेस करते हो आप इन चीज़ों को, उसको हम कहते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडिया फ्रीडम वॉज इमिनेंटेड। तब जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो खत्म हो गया था और भारत की स्वतंत्रता आसन्न थी। इंडियंस विल बी बिल्ड देयर ओन आइडिया, डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी ने कहा, घोषणा की कि भारतीय अपने खुद के भारत निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ इन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। और वो कहते हैं कि पूरा देश एक अभूतपूर्व आशावाद से भर गया। मैंने अपने पिता से रामेश्वरम छोड़ने और रामनाथपुरम के जिला मुख्यालयों में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ रामनाथपुरम। कि मैंने अपने पिता से
रामेश्वरम छोड़ने और रामनाथपुरम में जिला मुख्यालयों में अध्ययन करने की अनुमति मांगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो इमिटेंट का मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट करना, नए चीज़ों को देखना, और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है विदाउट प्रीवियस इंटेंस, जिसके बारे में आप नहीं जानते उसके पहले एक्सपीरियंस करते हो फर्स्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो बिलीव करता है गुड अल्टीमेटली अच्छी चीज़ों में आशावादी होता है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि जैसे कि जोर से सोच रहे हो अबुल, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे गो, अबुल मैं जानता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट द नेस्ट, क्या समुद्री चिड़िया अकेले एक घोंसले के बिना सूरज के पार नहीं उड़ सकती है? ही क्वाइट खलील गिरबान टू माई हेजिटेशंस मदर, उन्होंने मेरी जो संकोची माँ को खलील जिब्रान को उदाहरण दिया कि योर चिल्ड्रंस आर नॉट योर चिल्ड्रंस, कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, दे आर द सन्स ऑफ डॉटर्स एंड लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ, वे खुद के लिए जीवन की लालसा के जो बेटे और बेटियां हैं वे आपके माध्यम से आए हैं। दे केम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपसे नहीं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उन्हें अपने प्यार दे सकते हो लेकिन विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, उनके पास अपने खुद के विचार हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब होता है रिपीटेड वर्ड्स, किसी बुक्स किसी ऑथर जब कॉट लिखते हैं ना उसको, हेजिटेशन का मतलब होता है आप संशय की स्थिति में आ जाते हो, और थॉट का मतलब होता है विचार। तो इस कंप्लीट जो चैप्टर है इसमें हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखा, साथ साथ में हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी कवर किया। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे कि वेयर वॉज द अब्दुल कलाम हाउस। सो अब्दुल कलाम हाउस वॉज सिचुएटेड इन द मॉस्टू स्ट्रीट इन रामेश्वरम इन द स्टेट ऑफ मद्रास। व्हाट डू यू थिंक कि दीनामानी इज द नेम ऑफ द रीजन ऑफ योर्स? दीनामानी इज अ प्रोबेबली नेम ऑफ न्यूज पेपर बिकॉज अब्दुल कलाम मेड एन एफर्ट सो टू ट्रेस द स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर टोल्ड बाई द ब्रदर इन लॉ विच मेड हेडलाइंस इन दीनामानी। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, वाई डिड द लेटर बिकेम, कौन थे जो अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स थे वो, वाई डिड द लेटर बिकेम? अब्दुल कलाम हैड देयर थ्री क्लोज फ्रेंड्स, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। रामनाथ शास्त्री जो इनहेरिटेड प्राइस थे, जो कि उनके पिता थे रामेश्वरम टेम्पल में, रविंद्रो ने सेटअप किया अपना बिजनेस ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का, और जो शिव प्रकाशन थे वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउथर्न रेलवे में। तीनों दोस्तों की अलग अलग कहानी है। और हैड द अर्न एनी मनी बिफोर दैट इन व्हाट वे? यस, उन्होंने मनी अर्न की थी द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग कजिन, अपने कजिन की मदद करके। अ सडन राइज ऑफ डिमांड टर्मिक सीड्स कुड बी सीन इन द मार्केट। और विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ था कि जो इमलियाँ थी उनकी जो बीजें थी उन टर्मिन सीड्स की डिमांड बढ़ गई थी। वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ही कलेक्टेड द सीड सोल्ड और उनको कलेक्ट करके वो बेचते थे, एंड देम प्रोविजंस ऑफ मॉस्को। यूजुअली ही अर्न विथ वन अर्न एंड फ्रॉम द डेली सेल्स। देखिए वन आने का मतलब क्या होता है, देखिए 25 पैसे में, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 100 जो पैसे होते हैं वो अभी 1 रुपीज़ के बराबर है। तो पहले आप समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि 1 आने में क्या होता है और 25 पैसे में क्या होता था। 25 पैसे में होते थे 4 आने, राइट? तो एक आने में क्या हो जाता था, एक जो अन्ना होता है उसमें एक अन्ना में क्या हो जाएगा, 25 बाय 4, ये होता है इतने वो पैसे अर्न करते हैं, राइट? ये चीज़ें जिसको आप समझ पाओगे, कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से उन्होंने देखो इनहेरिट की, ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन फादर से, फेथ और गुडनेस अपनी, काइंडनेस अपनी मदर से। वाई डिड कलाम वॉन्ट टू, क्यों छोड़ना चाहते थे? क्योंकि उनको आगे बढ़ना था, वो लीव करना चाहते थे, या वो स्टडी करना चाहते थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामेश्वर रामनाथपुरम में। वो क्यों डिप्रेस्ड थे? देखिए इसलिए कि डिप्रेस्ड थे क्योंकि एज अ मुस्लिम होने के नाते जो टीचर थे वो बैक बेंच पे बिठा दिया था उन्होंने। द न्यू टीचर नैरो माइंडेड, वो नैरो माइंडेड था, कंसिडर एज अ मुस्लिम
मुस्लिम राइट, इंफीरियर्स ऑफ सोशल रैंकिंग की वजह से कंपेयर कर रहे थे वो। हाउ डिड आई अर्न फर्स्ट वेज, कैसे उन्होंने फर्स्ट वेज कमाया? सो बाय हेल्पिंग कजिन वर्क न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशंस, अर्न फर्स्ट वेज। इस लेशन का नाम है, द नेम ऑफ लेशन इज माई चाइल्डहुड, जो कि APJ अब्दुल कलाम जी के ऊपर है। सो आई होप कि जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, वर्ड मीनिंग्स भी समझी होगी और ट्रांसलेशन को भी समझा होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डाउट कोई समस्या किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट बॉक्स का में आप सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।